भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए नौसेना राफेल के चयन की घोषणा की। भारतीय नौसेना के 26 राफेल अंततः पहले से ही सेवा में मौजूद 36 राफेल में शामिल हो जाएंगे। दसो एविएशन ने ये जानकारी दी। दसो एविएशन ने बताया कि ये निर्णय भारत में आयोजित एक सफल परीक्षण अभियान के बाद लिया गया है। परीक्षण अभियान के दौरान नौसेना राफेल ने प्रदर्शित किया कि यह भारतीय नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है और इसके विमान वाहक की विशेषताओं के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इससे पहले 13 जुलाई को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DSE ने इस रक्षा सौदे को मंजूरी देने की घोषणा की थी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ 22 राफेल M और 4 2 सीटों वाले ट्रेनर संस्करणों सहित 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह DSE के अध्यक्ष हैं। DSE रक्षा खरीद पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च इकाई है। इस सौदे के अनुसार भारतीय नौसेना को 4 प्रशिक्षक विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल समुद्री विमान यानी कि राफेल M मिलेंगे। नौसेना इन लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों को तत्काल हासिल करने के लिए दबाव डाल रही थी, क्योंकि देश भर में सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर इनकी कमी हो रही थी। भारतीय नौसेना स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत पर तैनात करने के लिए पुराने MiG-29 के स्थान पर एक उपयुक्त लड़ाकू विमान की तलाश कर रही थी। नौसेना ने लंबी प्रक्रिया के बाद खरीद के लिए बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी कंपनी दसो एविएशन के राफेल M विमान के बारे में विचार किया। बाद में राफेल M इस दौड़ में विजेता रहा। विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत MiG-29 का संचालन कर रहे हैं और दोनों वाहकों पर ऑपरेशन के लिए राफेल की जरूरत है। इस बीच 3 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों को नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में रिपीट क्लोज के तहत हासिल किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मुंबई में मजगांव डॉक यार्ड्स लिमिटेड में बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।